प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी आज धार पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस टिकट वितरण से असंतुष्ट और निर्दलीय नामांकन जमा करने वाले कुलदीप सिंह बुंदेला और सहकारी नेता मोहन सिंह बुंदेला से चर्चा कर उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया। इस दौरान बंद कमरे में लगभग आधे घंटे चली चर्चा के बाद जीतू पटवारी ने पत्रकारों को बताया कि बुंदेला परिवार की कांग्रेस के प्रति बरसों से निष्ठा है और स्थानीय स्तर पर नाराजगी हो सकती है, जिसके चलते कांग्रेस के पक्ष में पूरे प्रदेश में सुनामी चल रही है और उन्होंने बुंदेला से बात की है तथा कुलदीप सिंह बुंदेला ने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन वापस लेने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही पटवारी ने कहा कि वह खुद कुलदीप सिंह बुंदेला की प्रतिभा का उपयोग उनकी विधानसभा में लेंगे। कुलदीप सिंह बुंदेला उनकी विधानसभा क्षेत्र राऊ के प्रभारी होंगे। साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस द्वारा किए गए सारे वादे पूरे भी किए जाएंगे। वहीं कुलदीप सिंह बुंदेला ने कहा कि जीतू पटवारी जी उनके समक्ष उनके विधानसभा क्षेत्र राऊ का प्रभारी बनने का प्रस्ताव रखा है और हमारे परिवार और कार्यकर्ताओं की बरसों से कांग्रेस पार्टी में निष्ठा रही है, जिसके चलते तन मन धन से पार्टी की सेवा की है। मैंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पटवारी जी से कहने पर अपने साथी कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद मैंने अपना नामांकन वापस लेने की बात कही है। साथ ही इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बन रही है। जीतू पटवारी जी आए थे, मेरे राजनीतिक से हटके उनसे मेरे दोस्ती के संबंध भी है और पार्टी ने जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जीतू पटवारी जी को भेजा है उन्होंने मेरे को समझाइश दी और उन्होंने कहा कि अपने निर्दलीय नहीं लड़ना है। तो सब लोगों को कार्यकर्ताओं को सब समझाइश देने के बाद उन्होंने कहा तो मैं कल खा उठा रहा हूँ, जैसे उठाना आज ही था लेकिन समय नहीं हुआ था कल खा। क्या क्या नाराजगी थी? नाराजगी यही थी जो मैं पूर्व में भी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि कांग्रेस किसी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नहीं चलेगी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कांग्रेस किसी महिला को टिकट देना भी थी तो कोई सक्रिय महिला को देते तो हम तन मन धन से साथ काम करने के लिए तैयार थे। ये नाराजगी थी। अब जो अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो जीतू पटवारी जी ने कहा है कि उनको मेरे को राऊ का प्रभारी उन्होंने बनाया है, उन्होंने राऊ आके काम देखा है तो जाके देखूंगा काम, कांग्रेस का काम करूंगा राऊ बनाए। आपको अगली बार के लिए कोई कमिटमेंट किया आपको कि अगले चुनाव में? कोई ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। मेरी जो नाराजगी थी जो उनको मैंने बता दिया, खुद सी बातें मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो नाराजगी जो थी मेरी उन्होंने दूर करी तो मैं सहमत हूँ उनकी बातों से। अच्छा आज तो राहुल चले जाएंगे, आपके कार्यकर्ता क्या काम करेंगे? नहीं राहुल मैं जाऊँगा कार्यकर्ता तो काम करेंगे ना, जहाँ मैं जैसा कहूँगा वैसे काम करेंगे। राहुल में रहूँगा तो मेरे साथ उन्होंने कहा पूरी टीम के साथ राहुल आना, मैं टीम के साथ राहुल में जाऊँगा। आप मानते हैं कि दो बार से जो कांग्रेस हार रही है धार विधानसभा, आपके ऊपर भीतरघात का आरोप लगता रहा, तो इस चुनाव में क्या रहेगा? नहीं ऐसा नहीं है, अनावश्यक मेरे पास भीतरघात का आरोप लगा। आपने देखा मैंने नगर पालिका में तन मन धन से मैंने जो काम मैंने किया है और करूँगा। अभी इस चुनाव में क्या परिणाम देखते हैं, कांग्रेस को किस रूप में देख रहे हैं? कांग्रेस को कांग्रेस के रूप में ही देखूंगा। नहीं जीत रही है अभी वर्तमान, हाँ कांग्रेस बिल्कुल हमारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है। और धार में कांग्रेस की क्या है? अभी तक तो मैं खुद उम्मीदवार था, मैं खुद जो था मैं आज लड़ने की स्थिति में खुद जीतने की दृष्टि से अपने उसकी समीक्षा में दो चार दिन बाद बताऊंगा आपको क्या करके बताऊंगा, उसके बाद दो चार दिन बाद बताऊंगा क्या स्थिति। अभी क्या स्थिति लग रही है? आप क्या हार जाएंगे, आप यहाँ से चले जाएंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं है मेरा, क्या मैं अभी जो है दो चार दिन बाद ही आकलन करूंगा। अभी तो मैं खुद उम्मीदवार था, मैं खुद निर्दलीय लड़ रहा था तो मैं अभी आकलन नहीं बता सकता अभी उस चीज़ का। आज PCC ने मुझे हाई कमान में भेजा था आदरणीय बुंदेला परिवार में बुंदेला जी और कुलदीप भैया से बात करने के लिए, सभी परिवार के लोगों से बात करने के लिए। सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीतिक दलों में जो चार पांच लोग टिकट मांगते हैं तो मिलता है। कुलदीप भैया का आम चूंकि उन्होंने भरा था, कांग्रेस पार्टी का ये परिवार पूरा निष्ठावान और कई सालों से समर्पित रहा है, पर धार में जिस तरीके का समय समय पर पार्टी को लेकर कई बातें आती है उसके लिए पार्टी गंभीर है। और उस पूरे तारतम्य में मुझे यहाँ पर भेजा गया, मैंने अभी सबसे परिवार वालों से बात की, कुलदीप भैया से आग्रह किया है कि आप इस बार चुनाव जो टिकट के आधार पर मिला हमारे गौतम परिवार में उनका सपोर्ट करो, इस बार आप उनको अगली बार
जब भी अवसर आएगा पार्टी परिवार की है, आपकी है, हमारी है, हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। मुझे खुशी है कि सभी परिवार के लोगों ने अपनी बात रखते हुए इस बात को स्वीकार किया है और वो अपना भाव। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे बुंदेला परिवार को कि उन्होंने पार्टी के इस भाव को समझा, और आश्वस्त करता हूँ कि पार्टी उनके इस भाव को समझते हुए आने वाले समय में पूरे परिवार का और खासकर बुंदेला ग्रुप का ध्यान रखते हुए आगे की बातें करेगी, पार्टी के भाव जिएगी। इसके साथ ही मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है, हर जगह कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से आम जनता आशा भरी निगाह से उसकी ओर देख रही है। अभी आम भरने से लेके जो शुरुआती भाव आम जनता के देखने को मिले, थोड़ी बहुत प्रत्याशी को लेकर विवाद जरूर है, पर सब ऐसे विवाद हैं जो सुलझने जैसे हैं, बात करके समझने जैसे हैं। कांग्रेस पार्टी की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी आम जनता से जो वादे किए, वो चाहे किसानों के संदर्भ में ऋण माफी का हो, महिलाओं के संबंध में सुरक्षा का हो, युवाओं के संबंध में रोजगार का हो, या हमारे बेटियों के लिए 51,000 रुपया शादी को लेकर कांग्रेस पार्टी ये भार वहन करेगी, सरकार करेगी, ये समझता हूँ कि ये सब बातें आम जनता को पसंद आ रही है, मैनिफेस्टों की बात समझ में आ रही है। इन सब भाव के साथ कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ आएगी और मैं कुलदीप बुंदेला जी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने पार्टी की बात मानी। और आज मैंने ये भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अनुरोध किया है कि कुलदीप बुंदेला जी को मेरे राव विधानसभा का प्रभारी नियुक्त करें। बहुत बढ़िया। और आज सब परिवार के लोग कांग्रेस को जिताने के संकल्प के साथ धार में भी, धार के जिलों में भी, धार विधानसभा में भी, आसपास पूरी हमारा जितना हिस्सा आता है, सब दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस को जिताएंगे। मनावर के लिए भी लोग गए हैं, सब बात चल रही है, आप 2 दिन बाद आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एक साथ है, एक साथ मिलकर जनता के साथ काम करें। कांग्रेस पार्टी की मूल भावना है संविधान की रक्षा। संविधान में लिखा है कि राजनीतिक दलों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं होना चाहिए, वो चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे भारतीय में हो, चाहे अन्य दल। आप सरकारी नौकरी भी करो और किसी राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ उसका काम भी करो, ये संविधान की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। बस हमारा कांग्रेस पार्टी का मूल भाव यही है। ये तो लोकतंत्र में कौन किस पार्टी में रहेगा, कौन किस विचार का रहेगा, कौन कैसी विचारधारा को अपनाएगा, ये स्वयं का विवेक होता है। और भारतीय संविधान में और कांग्रेस पार्टी का इतिहास कभी भी इस तरह की अधर्मिता तो कर ही नहीं सकता कि ताकत से ये कहे कि ये करो या ये मत करो। हम तो सीधे संविधान की बात करते हैं, जो कर्मचारी किसी भी राजनीतिक कांग्रेस से जुड़े हुए हो और अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो संविधान का पालन का भावना उसको नहीं होती, उसको बस। 28 तारीख को लोग वोट डालेंगे कांग्रेस के पक्ष में, और जब शपथ होगी तो मैं आप सबको निमंत्रण दूंगा।